अशोक सिद्धार्थ जी धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे मूल्य वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री रहीं परम आदरणीय बहन जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से दलित परिवार में पैदा हुए बेटे को देश के सर्वोच्च सदन में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। मानवर, आज महंगाई जैसे लोक महत्व और महत्वपूर्ण विषय पर मैंने सदन के सम्मान्य सदस्यों की बात को बहुत गंभीरता से सुनने का काम किया और शायद जब से मैंने होश संभाला, राजनीति में जब से मेरी रुचि बढ़ी, तब से इस देश में महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर और देश की सामाजिक गैर बराबरी की व्यवस्था पर सदन और सदन के बाहर चर्चाएं होती रहीं। लेकिन चर्चाएं केवल चर्चाओं तक सीमित रहीं। आज आज़ादी के 69 वर्ष हो गए, 69 वर्ष हो गए। इन 69 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा बजट सेशन गया हो, कोई वैसा सत्र रहा हो जिसमें महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर चर्चा ना हुई हो। लेकिन महंगाई के कारण क्या हैं, आज तक उसकी तह में जाने की कोशिश किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की। मान्यवर, मैं सदन के सामने अपनी विचार रखना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि महंगाई केवल रोजमर्रा की वस्तुएं, दाल, टमाटर, प्याज, आलू, खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल जैसी वस्तुओं के बढ़ने के कारण जो हमारे सदन में गिनाए जाते हैं, इनके अलावा भी कुछ कारण हैं। महंगाई का जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे नजर आता है, उसका सबसे सीधा साधा संबंध गरीबी और बेरोजगारी से है। जब तक हम गरीबी और बेरोजगारी को नहीं समझेंगे, तब तक हम महंगाई को ठीक से समझ नहीं सकते। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले गरीब और बेरोजगार की थाली से खाने पीने की चीज़ें गायब होने लगती हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो गरीब के की जो ज़रूरी वस्तुएं होती हैं, उस गरीब को उसमें, उस बेरोजगार को जरूरी वस्तुओं से कटौती करनी पड़ती है। लेकिन मान्यवर, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि गरीबी और महंगाई की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन ये सम्मानित सदन और देश की आम जनता इस बात से सहमत नहीं हो सकती है कि आज़ादी के 69 वर्षों के बाद भी देश के लगभग 80% लोग महंगाई और गरीबी के कारण बेहद अपमानजनक स्थितियों का सामना कर रहे हैं। रोजमर्रा की वस्तुओं में महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है, उससे इस देश का गरीब, इस देश का बेरोजगार, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान सभी प्रभावित हुए हैं। महोदय, अंग्रेजों की 200 वर्ष की गुलामी के बाद जब ये देश आज़ाद हुआ था, तो देश की बहुसंख्यक जनता ने, जनता पे ये उम्मीद जगी थी कि स्वतंत्र भारत में उन्हें गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई एवं गैर बराबरी की व्यवस्था के कारण अपमान से छुटकारा मिलेगा। लेकिन आज़ादी के 69 वर्षों के बाद भी क्या इस देश की बहुसंख्यक जनता को इन चीजों से छुटकारा मिला?
ये सम्मानित सदन से मैं जानना चाहता हूँ कि आज भी आजादी के 69 वर्षों के बाद भी गांव में देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कारगिल से लेकर के कोहिमा तक, पूरे देश में कि जो गांव हैं जिनमें महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, उनमें आज भी व्यक्ति जात के साथ पैदा होता है और जात के साथ मर जाता है। लेकिन हमारे देश के नीति निर्माताओं ने, हमारे देश में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने इन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर चर्चा तो की, नीतियां तो बनाई, लेकिन उनको जमीनी हकीकत पे उतारने का काम नहीं किया। क्या कारण है मानवर, जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व को शांति का संदेश देने वाला भारत, आज गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, महंगाई और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने वाला देश बन गया है। क्या कारण है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों ने अतीत के भारत का गौरवगान तो किया, लेकिन अतीत के गौरव को हासिल करने के लिए लेस मात्र भी प्रयास नहीं किया। इसका प्रमाण है कि आज भी इस देश में मौजूद गैर बराबरी की व्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी के कारण अपराध की दुनिया में पलायन करता नौजवान, आत्महत्या करता देश का अन्नदाता किसान आधी से ज्यादा आबादी आज भी मानवर देश में, खुले देश की जो आधी से ज्यादा आबादी है आज भी खुले में सोच करने पर मजबूर है। क्या कारण है, क्या कारण है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष में हैं वो या जो आज विपक्ष में बैठी हैं, उन राजनीतिक पार्टियों ने क्यों नहीं इस देश की बहुसंख्यक जनता को मान सम्मान, स्वामान से जीने का अधिकार देने का काम किया। मानवर, ये भारत जो जियो और जीने दो की भावना में विश्वास रखता था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत का प्रतिपादन तथागत भगवान बुद्ध ने इस देश में किया था, आज उस सिद्धांत की हत्या हो गई। आज इस देश में पूंजीपति हिताय, उद्योगपति सुखाय का नारा पूरे देश में लगाया जाता है। हमारे सरकार में बैठे लोग, जब 16वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए थे तो इन लोगों ने बड़े जोर शोर से नारा लगाने का काम किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इन्होंने बड़े जोर जोर से नारा लगाया था, महंगाई देश को छोड़कर जाने वाली है क्योंकि अच्छे दिन आने वाले। इन्होंने नारा लगाया था बीजेपी का पहला काम लगेगी महंगाई पर लगा। इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन मानवर आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमारे तमाम सीनियर सम्मानित सदस्यों ने महंगाई के कारणों पर विचार किया कि जमाखोरी के कारण, बिचौलियों के कारण महंगाई बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से मानवर जो इन्होंने नारा लगाने का काम किया था कि सबका साथ सबका विकास, वो नारा सच्चाई में नहीं था। सच्चाई में नारा इनका ये है कि पूंजीपतियों का साथ और पूंजीपतियों का विकास। सबका साथ सबका विकास इनका नारा नहीं। अगर सबका साथ सबका विकास इनका नारा होता तो चुनाव के दौरान जिन इस देश के उद्योगपतियों से इन्होंने सहयोग लेकर के बड़े बड़े प्रचार करके जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम किया था और सत्ता में आए थे, और आज सत्ता में जब पूर्ण बहुमत के साथ आ गए तो अभी हमारे मित्र कह रहे थे इधर के लोगों को कि 44 पर आ गए। मैं एक शेर के माध्यम से अपने मित्रों के समझाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि बुलंदी किसके हिस्से में देर तक रहती है, बुलंदी किसके हिस्से में देर तक रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज ये इनका वो दौर भी था कि जब दो थे, आज ये पूर्ण बहुमत के हैं। हमने जब से राजनीति में होश संभाला है 1980 में थम्पिंग मेजोरिटी में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देखी है और वो सरकार भी आज 44 पर आ गई। कारण, जो जनता वोट देकर के इस देश की पार्टियों को सर पे बिठाने का काम करती है, शासन पे बिठाने का काम करती है, वही जनता के साथ जब छलावा होता है, उसके साथ धोखा होता है,
तो वो जमीन पे भी मिलाने का काम करती है मान्यवर। मान्यवर, महंगाई को नियंत्रण के लिए भी इन्होंने वादा करने का काम किया था, महंगाई को नियंत्रण करने का इन्होंने वादा किया था कि महंगाई को नियंत्रण रखने के लिए मूल स्तरीकरण कोष बनाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था किसान अन्नदाता होता है जो पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है। किसान अन्नदाता सुखी भव का इन्होंने नारा देने का काम किया था और ये कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो कोई भी किसान किसान की उपज को डेढ़ गुना मूल्य देने का काम करेंगे। दो वर्ष हो गए, दो वर्षों में आज़ादी के इतिहास में अगर हम देखें तो किसी भी सरकार के समय दो वर्षों के कार्यकाल में जितना किसानों ने आत्महत्याएं की उतनी किसी सरकार में आत्महत्याएं नहीं की। खास तौर से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर किसानों ने, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर किसानों ने ज्यादा आत्महत्याएं करने का काम किया है। इन्होंने एक वादा और किया था कि मैं देश के गरीब नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करूंगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करूंगा। मैं सरकार में बैठे लोगों से जानना चाहता हूं कि इन 2 वर्षों में 2 करोड़ के हिसाब से 4 करोड़ रोजगार बनते हैं, कितने रोजगार अभी तक सरकार ने दिए हैं? क्योंकि महंगाई का संबंध, गरीबी का संबंध बेरोजगारी से है, बेरोजगारी का संबंध गरीबी से है। आदमी गरीब है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, आदमी के पास रोजगार नहीं है इसलिए वो गरीब है। ये सीधी सीधी मान्यवर बात है। इसलिए इन्होंने एक और वादा किया था कि मैं देश की गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए जो विदेशों में काला धन जमा है मैं उसे 100 दिन के अंदर वापस ला करके हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख रुपए देने का काम करूंगा। मान्यवर, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं साथियों, मान्यवर, मैं एक ट्रेन में जर्नी कर रहा था, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन में एक माँ अपने बेटे को, जो 6-7 साल का बेटा था, दिन का सफर था, मैं भी बैठा था। मान्यवर, ये सच्ची घटना है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। 7 वर्ष का बच्चा को अपनी माँ, उनकी माँ उन बच्चे को महीने के हिंदी के, अंग्रेजी के महीने पढ़ाने का काम कर रही थी। कह रही थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी दिनों के, वो उनके महीनों के दिनों में उनके दिन भी बताने का काम कर रही थी। जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 29 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, इस तरह से सारे काम गिनाने, सारे महीनों के दिनों को गिनाने का काम कर रही थी। लेकिन उस बच्चे ने बेबस ही अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ, कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, फरवरी में ही क्यों 29 दिन होते हैं, 28 होते हैं? तो उस माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उस माँ ने बच्चे का मन बहलाने के लिए उस बच्चे से कहा कि बेटा, फरवरी में इसलिए 29 दिन होते हैं क्योंकि मोदी काका जी ने कहा है कि जो विदेशों से काला धन है वो 30 फरवरी को आने वाला है, इसलिए 29 दिन होते हैं। मान्यवर, ये हंसने की बात, मान्यवर ये उस माँ की बात है। वो माँ भी ये बात समझती थी कि अब देश में काला धन न वापिस आएगा, न किसी गरीब के खाते में 15 से 20 लाख जाएंगे। मान्यवर, मेरी आज मेडिन स्पीच है, मुझे मेरे से बैठिए बैठिए बैठिए, आपका मेडिन स्पीच है और 2 मिनट बाकी है। जी जी मान्यवर, 2 मिनट बाकी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अंडर इंस्ट्रक्शंस इट इज मान्यवर, महंगाई जैसे मुद्दे पर मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला। अब बोलिए, विधान परिषद में बोलने का मौका मुझे मिला था आदरणीय बंजी की कृपा से। बोलिए बोलिए। मान्यवर, मेरे मित्रों ने, मेरे सीनियर साथियों ने महंगाई के ऊपर तमाम तरह की बातें की और सत्ता पक्ष के मित्रों ने भी बताने का काम किया महंगाई कम नहीं। लेकिन सच्चाई ये है मान्यवर कि आज गरीब जो महंगाई से प्रताड़ित है, जो महंगाई से परेशान है, आज आम जनमानस महंगाई के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि पेट कर रहा रात दिन हमसे यही सवाल, पेट कर रहा रात दिन मुझसे यही सवाल, एक साथ कब आएंगे रोटी सब्जी दाल। आज मान्यवर गरीब की थाली में रोटी सब्जी के साथ साथ दाल नहीं आती है, दाल है तो सब्जी नहीं आती है।
आज स्थिति महंगाई की ये है, आज महंगाई की स्थिति मानवर ये है कि हर गरीब गरीब को अगर दाल मिलती है तो चावल नहीं मिलता है, चावल मिलता है तो रोटी नहीं मिलती है, और रोटी नहीं मिलती है तो सब्जी में खासतौर से जो आलू जो गरीब का पसंदीदा भोजन होता है वो नहीं मिलता है। मानवर में फरुखाबाद जिले में कायमगंज तहसील का रहने वाला, वहाँ आलू भारी मात्रा में होता है। जब वहाँ आलू पैदा होता है, आलू का सीजन होता है, सीजन होता है, उस समय आलू 4 से 5 रुपए किलो में बिचौलिया व्यापारी खरीद लेते हैं, और वही आलू आज बाजार में 30 से 35 रुपए 40 रुपए तक बिकता है। तो गरीब किसान को क्या मिलता है मानवर, मैं इस बात पे सत्ता पक्ष से जानना चाहता हूँ। मैं साथ मानवर, आपने कहा कि इस देश में, आपने जैसा कहा कि मेरे 2 मिनट का समय है, मैं 2 मिनट में बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, 5 मिनट नहीं, नहीं 2 मिनट आपका खत्म हो गया, अब आप समाप्त कीजिए। मानवर बीजेपी कहती है, मानवर बीजेपी ये कहा करती है, बीजेपी के नेता बीजेपी के लीडर्स अक्सर ये कहा करते हैं कि इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये क्यों नहीं कहते हैं कि छुआछूत मुक्त भारत बनाओ, ये क्यों नहीं कहते हैं दलितों और महिलाओं की क्या सम्मान और समता का रक्षक भारत बनाओ, ये क्यों नहीं कहते हैं कि बेरोजगारी गरीबी और महंगाई मुक्त भारत बनाओ। अगर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को रोकने के लिए ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ प्रयास किए होते, मूल्य स्थिरीकरण कोष जैसे मांग और आपूर्ति के अनुरूप अपनी नीतियां बनाई होती तो आज देश के सर्वोच्च सदन में कई कई बार महंगाई पर चर्चा करनी नहीं पड़ती। मैं अपनी बात को एक कविता के माध्यम से, चूंकि मेरे पिता कवि थे इसलिए थोड़ा सा असर मेरे अंदर भी है, तो मानवर मैंने कभी कविता लिखी है, कि महंगाई के चाबुक से जब जन जन को पिटते देखा, व्यथित हो उठा अंतर मन जब अपनों को छलते देखा। महंगाई के चाबुक से जब अपनों को पिटते देखा, व्यथित हो उठा अंतर मन जब अपनों को छलते देखा। बेबस किसान मजलूमों पर क्यों महंगाई की मार है, बेबस किसान मजलूमों पर क्यों महंगाई की मार है, मूक बना मोदी शासन क्या अच्छे दिन की आज है, क्या अच्छे दिन ही आज है। रेल किराया माल भाड़ा महंगी सब्जी दाल है, रेल किराया माल भाड़ा महंगी सब्जी दाल है, भूख प्यास से मरती जनता जनमानस बेहाल है। क्या किया दिखावा जनता को अच्छे दिन की सरकार में, मोहताज निवाले को जन जन बस महंगाई की मार से। महंगाई का वायरस फैला सब में हाहाकार है, पूंजीपत लाभी मौज में महंगाई का वायरस फैला सब में हाहाकार है, पूंजीपत लाभी मौज में पर बेबस ये सरकार है। महंगाई के चाबुक से जब अपनों को पिटते देखा, व्यथित हो उठा अंतर मन जब अपनों को छलते देखा। धन्यवाद मानवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय भीम। ये कविता अगर पहले आप पढ़ देते तो भाषण देने का जरूरत नहीं पड़ता।